Alright, so this is Hardik Vasani. Welcome back to Hilarious Mind. We are back again with a new video. So right now, हम लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग और वो किधर कर रहे हैं वो ये बताएगा किधर कर रहे नहीं कोरीगढ़ फोर्ट डिटेल्स. सो अभी हम लोग कोरीगढ़ फोर्ट के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं. सुबह कल रात को 11 बजे निकले थे, सुबह 5 बजे पहुँचे एंड फिर थोड़ा सोए एंड इट्स राइट नाउ 7:30 एंड अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट की हमने. सो देखते हैं कैसा जाता है ये वीडियो, लेट्स सी. सो फाइनली 1.5 घंटा हो चुका है, हम लोग 1.5 घंटे से चढ़े जा रहे हैं एंड ये रूट अराउंड 2.5 आवर्स का है. सो देखते हैं. अभी थक गया तू बहुत ज़्यादा ब्रो, हम लोगों ने बहुत भागा, बहुत टाइम पास भी बहुत किया. देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचेंगे. ऑलराइट गाइस, तो ये एक खंडर सी गुफा है. अब आई डोंट नो ये किस चीज़ की गुफा है. ओए किस चीज़ की गुफा है? गुप्त गुफा. गुप्त गुफा. इधर है शेल, किस चीज़ की गुफा है ये? गुप्त गुफा है ब्रो. चल रैपिंग का कॉम्पिटिशन नहीं है. गुप्त तो भाई ये है यहाँ का द्वार और हम फाइनली एंटर करते. क्या नाम था फोर्ट का? भूल गया. कोरीगढ़ ऐसा कुछ तो भैया फोर्ट का नाम क्या था? कोरीगढ़ फोर्ट. हाँ कोरीगढ़ फोर्ट. तू डिप्रेशन में है क्या वहाँ पे बैठा अकेला? हाँ. सो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चालू है, फिर भी यहाँ पे स्लिपरी बहुत हो जाता है रेनी सीजन में, तो इसलिए. तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. एंड अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट डालेंगे, तो एंजॉय कीजिए ब्रो. ऑलराइट, सो फाइनली ये अभी तक पीक नहीं है, पीक उधर है, बट यहाँ पे हम लोग हमारा थंबनेल लेने के लिए रुके क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सेक्सी व्यू आ रहा है. आपको ये व्यू देखना कितना बाप हुए. सेक्सी व्यू है यहाँ का ब्रो, सीरियसली पूरा वर्थ, पूरा वर्थ है ब्रो, यहाँ पे आना बनता है. एंड ये व्यू के लिए एक लाइक तो बनता ही है.
यहाँ पे चल रहा है काम। भैया किस चीज का काम चल रहा है? ये बना रहे हो? ओके, तो कब से काम चालू है ये? 3 साल हो गए। 3 साल से काम चालू है और रोज यहाँ से पत्थर आते जाते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इतना काम चालू रहता है। तो आप जब भी आते हो कोई पोर्ट में तो यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ, यहाँ पे कुछ कूड़ा मत फेंको, क्योंकि ये चीज नेचर की है। नेचर में यहाँ पे लाइक नेचर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे गंदगी मत फैलाओ प्लीज। सो फाइनली अभी हम लोग पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं एंड फॉर मी मुझे अराउंड 2 आवर्स लगे यहाँ पे पहुंचने के लिए एंड आर्यन को अराउंड 45 मिनट्स लगे। सो इफ़ आप ब्रेक लेके आते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एंड इफ़ आप ब्रेक नहीं लेते हो तो आप फटाफट पहुंच जाओगे। एंड अभी वहाँ पे एक वाटर बॉडी है तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे 2-3 टाइम लैप्स लेंगे एंड बहुत सारे शॉट लेंगे, गोप्रो को ही अंदर डाल देंगे पानी के अंदर, ऐसा हो सकता है तो डालेंगे। एंड बहुत मज़ा आ रही है, ये सब हमारे हॉस्टल के बंदे। ऑलराइट गाइस, सो राइट नाउ अभी हम लोग खा रहे हैं थेपला। तो ये है थेपला, गुजरातियों की सबसे स्पेशल डिश है ना नी? बराबर आर्यन, हम महाराष्ट्र के तो हमें मराठी बहुत क्लियर आती है, ये भाई साहब को और अच्छी से आती है। सो अभी देखते हैं हम लोग खाते और फिर आपसे बात करते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बस के तरफ एंड फिर वहाँ से हम लोग टाइगर पॉइंट जाएंगे, बट मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। मेरा एक फ्रेंड है मस्की, क्योंकि वो मस्कत का है तो हम लोग उसे मस्की बुलाते हैं। तो मस्कत, अभी अपन यहाँ से किधर जाने वाले हैं? मोस्टली टाइगर पॉइंट जाने वाले हैं, वहाँ पे ग्रुप फोटो लेंगे और इंडियन फ्लैग के साथ आएंगे। सो इसके बाद हम लोग टाइगर पॉइंट जाने वाले हैं, देन उसके बाद थोड़ी और कुछ करेंगे। वैसे रात को हम लोगों को लेट इसलिए हुआ सुबह पहुंचने में, नहीं तो हम लोग रात भी पहुंच गए थे। रात को हमारी बस को लाइक पिकअप नहीं हो रही थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई ना, सुबह भी अच्छा ही हुआ हम लोग सुबह पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने 2 घंटे की नींद ले ली थी। Oh.